वेलकम टू दिस सेशन ऑन इंट्रोडक्शन टू NoSQL। इस सेशन में हम NoSQL के डिफरेंट डेटा मॉडल्स और उसके फ्यूचर पर डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज के सेशन में हम NoSQL के बारे में डिस्कस करेंगे। NoSQL के ओरिजिन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। NoSQL एक्चुअली में किसी टेक्नोलॉजी का नाम ना होके एक जस्ट मीट का नाम था, और ये मीट 2009 में हुई। 2009 तक बिग डेटा आ चुका था और कंपनीज अपने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रही थी। गूगल बिग टेबल बना चुका था, अमेजॉन डायनमो पे काम कर रहा था। तो उस समय जॉन अस्करसन ने सोचा कि क्यों ना जितने भी इस अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज पे कंपनीज काम कर रही हैं उनको एक साथ इकट्ठा एक मीट में बुलाया जाए। तो उसने एक मीट प्लान की सैन फ्रांसिस्को में और इन सभी कंपनीज को बुलाया, और इस मीट को ट्विटर पे टैग करने के लिए वो एक नाम की तलाश में थे। वो एक ऐसा टैग चाहते थे जो कि पॉपुलर ना हो और जो छोटा भी हो। तो उनके दिमाग में एक हैशटैग आया, NoSQL। तो उन्होंने NoSQL नाम से एक मीट को लॉन्च कर दिया। ये उसी मीट का एक स्नैपशॉट है जो कि 2009 में NoSQL मीटअप को इंडिकेट कर रहा है। तो 2009 में सारी कंपनीज MongoDB, CouchDB, HyperTable, HBase, Cassandra, ये सभी इस SQL मीट के पार्टिसिपेंट थे, और इन्होंने अपने अपने सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए इस मीट के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया। आगे जाके ये ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज बड़ी अच्छी तरह से ग्रो हुई और इसने अपने आप में एक नेम ले लिया, और ये नेम बन गया NoSQL। जब NoSQL का नेम इस ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज के लिए पॉपुलर हो गया तो ज़रूरत फील हुई इस NoSQL को डिफाइन करने की। तो एक्चुअली में जो जस्ट एक मीट का नाम था वो अब डिफाइन होने जा रहा था। तो कोई NoSQL को No2SQL सोचता रहा, या कोई NoSQL को NotOnlySQL सोचता रहा, जबकि अल्टीमेटली ये एक जस्ट मीट का नाम था और अब साइंटिस्ट बैठे थे इसको डिफाइन करने के लिए। तो उन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी की हेल्प ली। तो उन्होंने बताया कि NoSQL के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये 5 मिनिमम करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला कि वो नॉन रिलेशनल होने चाहिए, क्योंकि क्लस्टर एनवायरनमेंट पे रिलेशनल मॉडल्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वो ओपन सोर्स होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिलेशनल मॉडल्स के बिग जायंट्स को कम्पीट करना था, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो भी सॉफ्टवेयर बने वो ओपन सोर्स में जाए। द मेजर ऑब्जेक्टिव जो था NoSQL को बनाने का वो क्लस्टर फ्रेंडली तो था ही, तो इसलिए थर्ड ऑब्जेक्टिव रहा कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो क्लस्टर फ्रेंडली होने चाहिए, वो क्लस्टर्स के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस देने चाहिए, और वो फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, वो 21st सेंचुरी वेब के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने चाहिए। रिलेशनल मॉडल का मेजर डिसएडवांटेज स्कीमा था, तो NoSQL ने ये डिमांड की कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे स्कीमा लेस होने चाहिए। NoSQL को हम 4 मॉडल्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मॉडल है की वैल्यू पेयर, दूसरा है डॉक्यूमेंट मॉडल, कॉलम फैमिली मॉडल एंड ग्राफ मॉडल। और आप देखते हैं कि सभी में अलग अलग सॉफ्टवेयर इन मॉडल्स को फॉलो करते हैं। React और Redis नाम के सॉफ्टवेयर की वैल्यू पेयर को फॉलो करते हैं, MongoDB और CouchDB डॉक्यूमेंट बेस्ड मॉडल हैं, Cassandra और HBase कॉलम फैमिली बेस्ड मॉडल हैं, जबकि Neo4j ग्राफ बेस्ड मॉडल है। आइए इन मॉडल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। की वैल्यू पेयर में हमारे पास प्राइमरी की तरह एक यूनिक की रहती है, लेकिन उसके आगे एक पैकेट में हम सारी वैल्यूज स्टोर कर देते हैं। तो की वैल्यूज पेयर में हमारे पास की और वैल्यूज का पेयर है। तो अगर हम एक ऑनलाइन स्टोर का बिल देखें जो कि यूजली इस तरह से हमारे पास आता है, जिसमें आईडी रहता है, कस्टमर का नाम है, जो हमने आइटम परचेज की हैं उसका कोड है, कितनी क्वांटिटी में परचेज की हैं उनका रेट है, और पेमेंट डिटेल है। अगर हमें ये बिल RDBMS मॉडल में निकालना हो तो हमें इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये जो कस्टमर की डिटेल है ये हमें कस्टमर टेबल से मिलेगी, ऑर्डर आईडी की डिटेल ऑर्डर टेबल से मिलेगी, ऑर्डर की बाकी लाइंस के लिए भी मुझे ऑर्डर डिटेल टेबल में जाना होगा, और पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का टेबल यूज़ करना होगा। कहने का मतलब, एक सिंपल बिल जनरेट करने के लिए मुझे 5-6 टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। रिलेशनल मॉडल में अदरवाइज 5-6 टेबल को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम क्लस्टर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्लस्टर एनवायरनमेंट में हो सकता है कि हमारा जो टेबल 1 है
ये क्लस्टर 1 पे हो और टेबल 2 क्लस्टर 2 पे हो, यानी कि टेबल 1 कंप्यूटर 1 में है और टेबल 2 कंप्यूटर 2 में है, और ये दो कंप्यूटर हो सकते हैं ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो। तो इस केस में इनको ज्वाइन करना काफी हैवी रहेगा। उसकी बजाय ऑल्टरनेटिव ये है कि हम इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एज सच एक ही मशीन के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर दें, और अगर हम ये करेंगे देन ये मॉडल कहलाएगा डॉक्यूमेंट मॉडल। तो डॉक्यूमेंट मॉडल ये पूरी डिटेल को इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन डिफरेंट रिलेशनल मॉडल्स स्टोर टुगेदर अंडर वन डॉक्यूमेंट अंडर वन मशीन, सो दैट मेक इट क्लस्टर फ्रेंडली। थर्ड मॉडल है हमारे पास कॉलम फैमिली मॉडल, जिसमें इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन रोज वी आर स्टोरिंग द डेटा इन टर्म ऑफ कॉलम्स। तो अगर जो क्वेरी कॉलम स्पेसिफिक है उसमें कॉलम फैमिली डेटा मॉडल अच्छा परफॉर्म करते हैं। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक फोर्थ मॉडल है, दैट इज ग्राफ बेस्ड मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम फेसबुक के ऊपर सोशल ग्राफ जनरेट करना चाहते हैं। तो उस ग्राफ को जनरेट करने के लिए हमें रिलेशनल मॉडल में अगर स्टोर करना हो कौन किसका फ्रेंड है, उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड दैट इज़ वेरी टफ। बट अगर हम ग्राफ को सीधा डाटा मॉडल में ही स्टोर कर दें देन इट विल बी क्वाइट ईजी, एंड इन ग्राफ मॉडल वी कैन डायरेक्टली स्टोर द ग्राफ इन द होल मॉडल, सो दैट मेक मैनेजमेंट ऑफ ग्राफ क्वाइट सिंपल। फर्स्ट इज की वैल्यू, विच स्टोर द डेटा इन टर्म ऑफ कीज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। द डेटा अबाउट ए सिंगल की विल बी अवेलेबल ऑन ए सिंगल मशीन, सो इट इज क्लस्टर फ्रेंडली। अनदर इज डॉक्यूमेंट, विच स्टोर होल डॉक्यूमेंट इन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर इन ए सिंगल मशीन। कॉलम फैमिली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग रो ओरिएंटेड इट इज कॉलम ओरिएंटेड एंड कैन सॉल्व कॉलम बेस्ड क्वेरी वेरी वेल। इन ऑर्डर टू स्टोर सोशल नेटवर्किंग डिटेल्स वी कैन गो फॉर ग्राफ बेस्ड मॉडल। तो नो सीक्वल का इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमें मिला ईजियर डेवलपमेंट और लार्ज स्केल ऑफ डेटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नो सीक्वल का फ्यूचर क्या है। तो आइए सोचें कि फ्यूचर किस तरफ करवट लेगा। तो क्या नो सीक्वल ही आने वाले टाइम में चलेगा, और जो DBMS और जो सीक्वल हमने पढ़ा है क्या वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी परसिस्ट करेगी दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज पॉलीग्लॉट परसिस्टेंट। पॉलीग्लॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीपल टेक्नोलॉजी से है, सो इट मीन दैट इन फ्यूचर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज विल परसिस्ट टूगेदर। इट मीन दैट कि फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन के लिए सीक्वल अपने आप में सफिशियंट नहीं है और ना ही नो सीक्वल अपने आप में सफिशियंट है। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज को यूज करना है, हाइब्रिड सिस्टम्स यूज करने हैं, सो दैट हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। इस बात को हम इस स्लाइड से समझ सकते हैं। तो इनिशियली जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म थे वो RDBMS का डेटा यूज करते थे। उसी RDBMS में हम शॉपिंग कार्ट, उसी में सेशन डेटा, कंप्लीटेड ऑर्डर और बिजनेस इंटेलिजेंट स्टोर करते थे। धीरे धीरे ये पाया गया कि RDBMS इज नॉट सफिशियंट फॉर शॉपिंग कार्ट और सेशन डेटा और सम मोर डिटेल्स। सो इसलिए अब हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल RDBMS हम मल्टीपल मॉडल्स को यूज करते हैं। अब शॉपिंग कार्ट और सेशन का डेटा की वैल्यू स्टोर के साथ हम स्टोर करते हैं। कंप्लीटेड ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए हम डॉक्यूमेंट मॉडल यूज करते हैं, जबकि इन्वेंट्री या आइटम प्राइस को मेंटेन करने के लिए हम RDBMS को ही यूज कर रहे हैं, और कस्टमर के सोशल ग्राफ को मेंटेन करने के लिए हम ग्राफ डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स एक ही साथ परसिस्ट कर रहे हैं फॉर सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो द फ्यूचर इज पॉलीग्लॉट परसिस्टेंट। इट मीन दैट जो आज के इंजीनियर हैं उनको सीक्वल के साथ साथ नो सीक्वल डेटा मॉडल्स की भी पूरी जानकारी चाहिए, तभी हम एक फुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेटाबेस सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ रिलेशनल मॉडल आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा, आपको रिलेशनल मॉडल के साथ साथ नॉन रिलेशनल या नॉन सीक्वल डेटा मॉडल्स को भी समझना या उसके ऊपर एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है, और फ्यूचर में आपको सभी टेक्नोलॉजीज का मास्टर होना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।